हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है ओलंपिक मशाल। दोस्तों, ये ओलंपिक का सीरीज चल रहा है। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्राचीन ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल और ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक रिंग, ओलंपिक मोटो के बारे में फुल डिटेल में बता चुकी हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये चैनल पर जाके, उसके प्ले लिस्ट में जाके सब वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो इसके बाद आप ओलंपिक मसाल के बारे में जानते हैं। तो आज का टॉपिक है ओलंपिक मसाल, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जहाँ तक ओलंपिक मसाल की बात है, ये खेलों के ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का प्रतीक है। और खेलों के प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व ही, जब ओलंपिक खेल प्रारंभ होता है उसके कुछ दिन पूर्व ही, यूनान के ओलंपिया गाँव से, ओलंपिया गाँव से आप तो परिचित होंगे, जो प्राचीन ओलंपिक खेल वहाँ पर हुआ करता था एथेंस के, ठीक है ना, और वहाँ के गांव के जीएस के मंदिर से ये जलाकर लाई जाती है कुछ दिन पहले जब ओलंपिक खेल प्रारंभ होता है। वहाँ इसे कहाँ से जलाया जाता है, सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। किससे प्रज्वलित करके लाया जाता है, सूर्य की किरणों से, ठीक है ना। तो दोस्तों, ओलंपिक मशाल को सबसे पहले 1928 ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछी गया कि ओलंपिक मशाल को सबसे पहले कब जलाया गया था, किस ओलंपिक में। तो 1928 ओलंपिक के हॉलैंड में, अब कहाँ पे, ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाया गया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था कि इसको स्थगित कर दिया गया था किसी कारणवश, ठीक है ना। उसके बाद 1932 में इसको पुनः अपनाया गया। 1928 में जब पहली बार जलाया गया था तो उसके बाद स्थगित हो गया था। तो उसके बाद 1932 में पुनः इसको अपनाया गया। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए फिजिकल एजुकेशन अदर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर फिजिकल एजुकेशन के लिए ज़्यादा, ठीक है ना। एक में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि प्रथम बार आधिकारिक तौर पर स्थगित होने के बाद 1932 में जो अपनाया गया, उसके बाद प्रथम बार आधिकारिक तौर पर 1936 बर्लिन ओलंपिक में क्या कहते हैं, इसको जलाया गया, जिसके बाद आज तक उसको जलाया जाता है उसी तरीके से, ठीक है ना। ओलंपिक मशाल जो है प्रथम बार आधिकारिक तौर पर कब जलाया गया, 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज इस तरह से करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूछेगा कि सबसे पहले ओलंपिक मशाल कब जलाया गया था, तो किसी के मन में 1936 याद रहेगा और 1936 से टिक कर देगा। बट यहाँ पे सबसे पहले और पुनः कब अपनाया गया और प्रथम बार आधिकारिक तौर पर कब ओलंपिक मशाल को जलाया गया, यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे पहले पूछेगा कि ओलंपिक मशाल कब जलाया गया, तो 1928 के मस्टर्ड ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाया गया। अगर ये पूछेगा कि बीच में स्थगित हो गया था, पुनः कब अपनाया गया, तो 1932 में। और यहाँ पे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बार ओलंपिक मशाल को आधिकारिक तौर पर कब जलाया गया, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। तो इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से जरूर देखिए। और इसी 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ही ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत भी 1936 में ही हुआ था। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो भी ओलंपिक ज्वाला लेकर आता है वो क्या कहते हैं, यूनान के जो एथेंस है, एथेंस के ओलंपिया से लेकर वहाँ के जीएस के मंदिर से सूर्य के प्रकाश से उसको ज्वाला को प्रज्वलित करता है और सभी महाद्वीपों से होते हुए आता है। और जहाँ पे भी ओलंपिक आयोजन होता है वहाँ पे आयोजन स्थल पे आके ज्वाला को प्रज्वलित करता है। तो ये वहाँ पे वहाँ से आकर के ज्वाला को प्रज्वलित करने की, मशाल जलाने की जो प्रथा थी वो 1936 से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड 1936 में ही विजेता खिलाड़ियों के नाम स्टेडियम की दीवारों पर लिखा जाने लगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर महाद्वीपों से होते हुए आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत कब हुई, तो 1936 में ही हुई, ठीक है ना। और विजेता खिलाड़ियों का नाम स्टेडियम की दीवारों पर कब से लिखा जाने लगा, तो 1936 में ही। तो 1936 से तीन टॉपिक आपकी, तीन क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे प्रथम बार आधिकारिक तौर पर मशाल को जलवाने की शुरुआत हुई थी 1936 बर्लिन में, और ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर महाद्वीपों से होते हुए यहाँ स्टेडियम तक जलाने की प्रथा
1936 से ही प्रारंभ हुआ था और विजेता खिलाड़ियों के नाम स्टेडियम की दीवारों पर लिखा जाने की प्रथा भी 1936 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में प्रथम बार किसी महिला ने ओलंपिक मशाल को जलाया था, तो इस महिला का नाम था नेमी एनरी क्वेटा बासिलो सोटेलो। ठीक है ना, क्या नाम था, बहुत लंबा नाम है, क्या नाम था, नेमी एनरी क्वेटा बासिलो सोटेलो। ठीक है, ये मैक्सिको की महिला थी जिन्होंने प्रथम बार मशाल से ज्वाला प्रज्वलित की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार मशाल से ज्वाला प्रज्वलित करने वाली महिला कौन है ओलंपिक में, तो मैं 1968 की मैक्सिको सिटी में थी वो, और नेमी एनरी क्वेटा बासिलो सोटेलो, इतना लंबा नाम है तो इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था ओलंपिक मशाल के बारे में, जिसे मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आगे मैं ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में वीडियो लाने वाली हूँ, और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जरूर मैं वीडियो लाती रहूँगी। बट आपके मन में जो भी सवाल हो, जिस टॉपिक से आप कंफ्यूज हो, उस टॉपिक के बारे में कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगी। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही टॉपिक आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।